नमस्ते। डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी और सुंदर कविता है और इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। एक प्रेरक कविता है जो हमें चीजों को समझने के हमारे दृष्टिकोण के बारे में बताती है, हमारे मन को बदल देता है और हमारे जीवन पर अधिक प्रभाव डालता है। जीवन के सरल क्षणों का आनंद लेकर हम अपनी रोजमर्रा की समस्याओं और चिंताओं से छुटकारा पा सकते हैं। इससे हमें सुखी और स्वस्थ जीवन जीने में भी मदद मिलती है। डस्ट ऑफ स्नो कविता में कवि ने जिक्र किया है एक कौवे का, बर्फ का और एक हेमलॉक पेड़ का। कौवा, डस्ट ऑफ स्नो और हेमलॉक पेड़ कवि की अवसादग्रस्त और दुखी मनोदशा का वर्णन करता है। क्योंकि उस वक्त कवि अच्छे मूड में नहीं था, वो प्रकृति को उसी तरह देखता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के कड़वे पक्ष का वर्णन करता है। वो प्रकृति और जीवन के तुच्छ चीजों की साधारण उपचारात्मक शक्ति का वर्णन करता है। प्रकृति सब कुछ ठीक कर देती है, चाहे वो खराब मूड हो या बीमारी। लेखक ऐसे ही एक बुरे दिन का अनुभव बताता है, जब हेमलॉक के पास एक कौवे की हरकत से उसके ऊपर बर्फ गिर जाती है। बर्फ तुरंत उसे खुश कर देती है, उसका दिन बहुत बेहतर हो जाता है। प्रकृति की सर्वोच्चता ने उसे एहसास दिलाया कि उसकी समस्याएं छोटी हैं। सच ये है कि हेमलॉक कौवे के साथ विषैले रूप से संयुक्त है, जो विनाश और भय का सूचक है। कविता में इसका उपयोग कथा वाचक के जीवन में खुशियों के वाहक के रूप में किया जाता है। हमारे कवि ने उस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। कभी कभी जीव जंतु जीवन के नकारात्मक पहलुओं से जुड़ जाते हैं, अक्सर परिवर्तन खुशियां लाते हैं। प्रकृति में बाहर रहना, अपनी सारी अप्रत्याशितता के साथ किसी को भी कहीं भी किसी भी समय लाभ पहुंचा सकता है। अब ये सरलता से किस प्रकार संबंधित है? मनुष्य स्वभाव से ही बहुत ही सरल होते हैं, सरल जीवित संस्थाएं। मनुष्य जीवन में सुख चाहता है और हम हमेशा खुश रहने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा मन निराश और अप्रसन्नता से पूरी तरह घिर जाता है और हम बिना किसी कारण के अवसादग्रस्त अवस्था में चले जाते हैं। कविता हमें प्रकृति की और देखने के लिए कहती है और उसे संकेत लेकर अवसादग्रस्तता से दूर रहने को कहती है। हम सरल हैं, प्रकृति सरल है और सरल जीवन और सोच जीवन को कम जटिल बनाती है और खुशियां बहाल हो जाती हैं। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और आप सभी का आभार। नमस्ते।